भारत बंद की अपार सफलता के बाद भी मोदी सरकार ने SC ST के आरक्षण में बंटवारे और क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। आरक्षण में बंटवारे को रोकने और क्रीमी लेयर को रोकने के लिए जरूरी है कि मोदी सरकार 1 अगस्त को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए संसद में कानून लेकर आए, लेकिन मोदी सरकार ने इसके कोई संकेत नहीं दिए हैं। 21 अगस्त को पूरे देश के दलित बहुजन सड़कों पर दिखाई दिए और दलित आदिवासियों ने देश भर में अपना गुस्सा जाहिर किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की मांग की। लेकिन देश के हर गांव हर शहर से ऐसी तस्वीरें सामने आने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलितों और आदिवासियों ने ऐतिहासिक भारत बंद को कामयाब बनाने के बाद भी मोदी सरकार कोई एक्शन लेती हुई नजर नहीं आ रही। मोदी सरकार की ये बेरुखी हैरान करने वाली है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती ने आज मोदी सरकार के इस रुख पर हैरानी जताते हुए तुरंत कानून लाने की मांग की। बेंच ने ट्विटर पर लिखा, SC ST आरक्षण में वर्गीकरण व क्रीमी लेयर का नया नियम लागू करने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 1 अगस्त 2024 के निर्णय के विरुद्ध जन अपेक्षा के अनुसार पुरानी व्यवस्था बहाल रखने के लिए केंद्र द्वारा अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाना ये अति दुखद व अति चिंताजनक है। इसको लेकर 21 अगस्त के भारत बंद के बावजूद अगर केंद्र इसमें जरूरी सुधार के लिए गंभीर नहीं तो ये सोचने वाली बात है। पहले कोर्ट में लचर पैरवी और अब उसको लेकर संविधान संशोधन बिल नहीं लाने से साबित है कि BJP का SC ST आरक्षण विरोधी रवैया पूर्व की तीव्रता के साथ बरकरार है। इस मामले में कांग्रेस सपा व इनके इंडिया गठबंधन की चुप्पी उतनी ही घातक है। इससे ये फिर साबित है कि SC ST वर्गों के सही हित कल्याण व उत्थान के मामले में दोनों ही पार्टियां व इनके गठबंधन एक ही थाली के चटे बटे हैं। इन वर्गों का हित अम्बेडकरवादी BSP में ही सुरक्षित है। बेंजी ने साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए अभी तक कोई कदम ना उठाया जाना BJP की दलित विरोधी मानसिकता को जाहिर करता है। वैसे आरक्षण में बंटवारे का वादा PM मोदी ने बीते लोकसभा चुनाव में ही कर दिया था। मेरे परिवारजनों, मैं आज बहुत बहुत भावुक हूं। आप कल्पना करिए, कृष्णा ने 30 साल अपनी जवानी पूरी खपा दी, इतना बड़ा आंदोलन अविरत रूप से चलाया। कृष्णा मेरा छोटा भाई है। आज से इस आंदोलन में कृष्णा मेरा नेता है, मैं उसका असिस्टेंट हूं और मैं आपके लिए पूरे दायित्व के साथ इस न्याय की लड़ाई में साथ रहूंगा। आप सभी यहां आए, हमें आशीर्वाद दिया, इसके लिए आप सबका फिर एक बार धन्यवाद करता हूं। और इस आंदोलन में मेरे नेता कृष्णा है, मैं कृष्णा का साथी हूं और मैं कृष्णा के नेतृत्व में आपके साथ खड़ा हूं। सिकंदराबाद की इस रैली में PM मोदी ने मादिका को कोटे में कोटा देने की बात कही थी और अब वो अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं। मोदी सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि कोटे में कोटा होना चाहिए और अब मोदी की बात को ही मानते हुए हरियाणा की BJP सरकार ने भी सबसे पहले उपवर्गीकरण लागू करने का फैसला ले लिया। आज मंत्रिमंडल के समक्ष जो अभी पिछले दिनों माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नौकरियों में अनुसूचित जाति के कोटे में वर्गीकरण के संबंध में हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की जो रिपोर्ट थी वो आज रखी गई। उस रिपोर्ट को कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया। दो प्रकार के वर्गीकरण की सिफारिश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की है, एक अन्य अनुसूचित जाति, दूसरा वंचित अनुसूचित जाति। उसके अंदर जो ऐसी समाज के अंदर गरीब व्यक्ति है ऐसे लोगों को हरियाणा सरकार अन्य अनुसूचित जाति और वंचित अनुसूचित जाति नाम से दो ग्रुप बनाएगी और SC के कोटे को आधा आधा बांट देगी। लेकिन फिलहाल हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं और नायब सैनी सरकार का ये फैसला लागू नहीं होगा, यानी BJP ने सिर्फ चुनाव में वोट पाने के लिए दांव चल दिया। BJP दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहती है। BJP ने एक तरफ हरियाणा में आरक्षण में बंटवारे को मंजूरी दी और दूसरी तरफ ये भी कह दिया कि SC ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। अभी जो हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विषय पर एक जजमेंट दिया है, इस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने SC और ST के रिजर्वेशन के विषय में
कुछ सुझाव दिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है और कैबिनेट का सुविचारित वेल थॉट थ्रू मत है कि एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार एससी और एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का सुविचारित मत है, वेल थॉट थ्रू डिसीजन है कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही एससी और एसटी का रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। ये साथियों पांच बड़े फैसले आपके सामने रखे। आई टेक सम क्वेश्चंस, ऑलरेडी इट इज 9:50। आप प्रशांत हूँ एनडीटीवी से। सर सबसे पहला सर आखिरी में जो आपने बात कही सर, एक क्रीमी लेयर का मसला है, दूसरा सब कैटेगराइजेशन का भी मसला है सर, आरक्षण के भीतर आरक्षण का, क्या उस पर भी कोई चर्चा हुई कैबिनेट में और क्या फैसला हुआ? जितनी चर्चा हुई मैंने उतना बताया। आप सरकार की चालाकी को समझिए, वो दोनों हाथों में लड्डू रख रही है। हरियाणा में आरक्षण का बंटवारा कर दिया और दिल्ली में बैठकर क्रीमी लेयर लागू ना करने की बात कर दलितों के गुस्से को थोड़ा ठंडा भी कर दिया। मोदी सरकार शातिर तरीके से काम कर रही है क्योंकि उसे ना चमारों की पड़ी है और ना वाल्मीकियों की, उसे ना माला समुदाय की पड़ी है और ना मादिगा समाज की, उसे सिर्फ वोट चाहिए और दलित बहुजनों के आरक्षण पर डाका डालने का मौका चाहिए। दलितों और आदिवासियों ने 21 अगस्त के भारत बंद से साफ संदेश दिया कि अगर आरक्षण में छेड़छाड़ हुई तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। दलितों की सामूहिक एकता ने मोदी सरकार को भी हिलाकर रख दिया है, लेकिन बीजेपी फिलहाल इस मामले में बचती हुई नजर आ रही है। एक तरफ पीएम मोदी बीजेपी के एससी एसटी सांसदों से मिलकर उनकी फोटो ट्वीट करके भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ हरियाणा में उपवर्गीकरण को लागू करने का ऐलान भी कर देते हैं। ये बीजेपी का दोगलापन नहीं तो क्या है? अब देखना यह होगा कि क्या मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए कानून लेकर आती है या नहीं। नजर इस बात पर भी रहेगी कि अब दलित बहुजन आगे क्या कदम उठाते हैं, क्या मोदी सरकार उनके सब्र की परीक्षा ले रही है। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें ताकि सरकार पर दबाव बन सके। आपसे अपील है द न्यूज वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।